जी सब कुछ ट्राई कर लिया है इस शक्ति के साथ कि ये वीरेंद्र की मूर्ति को छोड़ दें या हमें वापस कर दें या उन्हें ठीक कर दें, बट उन्होंने प्यार में धोखा खाया है और इस वजह से जो कैरेक्टर है ये बावनी का, वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है। तो अब एक पॉइंट होता है जब चंद्रकांता बिल्कुल हेल्पलेस फील करती है और वो फाइनली बोलती है कि तुम जानते ही नहीं हो सच्चा प्यार क्या होता है, अगर जानते तो ऐसा कभी नहीं करते। तो दिस इज़ लाइक यू नो, हर चीज़ ट्राई कर ली है, फिज़िकली ट्राई कर लिया है मूर्ति को बचाना, इतने डेंजरस जगहों से को क्रॉस करके वो यहाँ तक पहुँची है, सब कुछ कर चुकी है, सारे इम्तिहान एक तरह से वो दे चुकी है, बट अब बस देखना ये है कि ये कैरेक्टर जो कि बिल्कुल भी सिंपथी नहीं दिखा रहा है, जिसका दिल पिघल ही नहीं रहा है, वो फाइनली कैसे मानता है वीरेंद्र को मतलब ठीक करने के लिए। जैसे मूर्ति में वीरेंद्र की जान है और देखा जाए तो उसी जान को आज उसने भावनी काकू बिछा रहे हैं और दोनों के दोनों बचाने में जी, क्योंकि वो एक तरीका बन गया है चंद्रकांता को डराने का, तो वो कॉन्स्टेंटली यही डरा रहा है कि मैं मूर्ति को तोड़ दूंगा और वीरेंद्र की जान चली जाएगी, तो इट्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर चंद्रकांता। लास्टली कन्विंस कर पाएंगे? कोई आइडिया नहीं है, इस सीन में तो कन्विंस नहीं कर पाई हूँ, इनफैक्ट इसके एंड में वो बोलते हैं कि अब तुम सब मरोगे, तो इसके बाद तो हमें लिटरली लटकाया जा रहा है, तो अभी तक तो नहीं माने हैं ये। थैंक यू।